नमस्कार जय हिंद साथियों, आज हम लोग समझेंगे मध्यकालीन भारत और यहाँ से लेक्चर नंबर हमारा ये 5 होगा। और पिछले प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने जाना था कुतुबुद्दीन ऐबक के विषय में, तो दिल्ली सल्तनत की का संस्थापक किसे कहा जाता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। और हम लोगों ने जाना था कि दिल्ली सल्तनत में जो स्थापना करता है कुतुबुद्दीन ऐबक, इसने 3 प्रमुख इमारतों का निर्माण करवाया था, अढ़ाई दिन का झोपड़ा, कुब्बतुल इस्लाम, प्रथम मस्जिद तुर्कों के द्वारा बनाई गई भारत में। और हम लोगों ने ये जाना था कुतुब मीनार का शिलान्यास किसने करवाया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और इसकी साथ ही इसकी मृत्यु कैसे हुई थी, तो चौगान या पोलो खेलते हुए किसकी मृत्यु हुई थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया था। तो आज हम लोग गुलाम वंश के दूसरे वंश को पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं शमसी वंश। तो दिल्ली सल्तनत का ये जो शमसी वंश है इसकी स्थापना कौन करता है, तो इल्तुतमिश। शमसी वंश की शुरुआत कब से हुई, तो 1210 से लेकर 1236 ईस्वी तक क्या चलेगा आपका, ईस्वी तक चलेगा आपका शमसी वंश। और इस वंश तो आगे कौन ले जाएगा, तो इल्तुतमिश, आपको याद रखना है इल्तुतमिश। अब देखिए इल्तुतमिश से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं जिनको हम लोग समझेंगे। इल्तुतमिश शब्द का अर्थ होता है साम्राज्य का स्वामी, उसको यही याद रखना है कि इल्तुतमिश शब्द का क्या अर्थ है, तो साम्राज्य का स्वामी कहा जाता है। साम्राज्य का स्वामी किसे कहा गया, तो ये कहा गया इल्तुतमिश को। और ये इसका मतलब क्या है इल्तुतमिश का, तो इसे बोलते हैं साम्राज्य का स्वामी। अब सबसे खास बात है दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है किसको कहा जाता है, इल्तुतमिश को। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, तो कहा जाता है इल्तुतमिश को। और साथ ही साथ इसको प्रथम इलवारी तुर्क भी कहा जाता है, प्रथम इलवारी तुर्क। दोस्तों प्रश्न पूछा जाता है प्रथम इलवारी तुर्क किसे कहा गया है, तो प्रथम इलवारी तुर्क कहा गया है इल्तुतमिश को, प्रथम इलवारी तुर्क कहा गया है इल्तुतमिश को। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है इल्तुतमिश को। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो आपको याद रखना है इल्तुतमिश था। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, तो इल्तुतमिश था। और साथ ही भारत में तुर्की सत्ता का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, तुर्की सत्ता का वास्तविक संस्थापक। तो यहाँ से हमारे जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो क्या है दोस्तों, आपको याद रखना है, यहाँ से हमारे इम्पोर्टेंट प्रश्न है गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है इल्तुतमिश को, इसी को प्रथम इलवारी तुर्क भी कहा जाता है। और साथ ही अगर बात करें तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है इल्तुतमिश को। और भारत में तुर्की सत्ता का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है इल्तुतमिश को कहा जाता है। एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ पर बनता है, एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न है भारत में मुस्लिम प्रभुसत्ता का, मुस्लिम प्रभुसत्ता का वास्तविक संस्थापक। तो एग्जाम में कई तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में मुस्लिम प्रभुसत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन, तो आपको याद रखना है इल्तुतमिश। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक, तो आपको याद रखना है इल्तुतमिश को कहा जाएगा। और साथ ही भारत में तुर्की सत्ता का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, तो ये हमारा कहा जाता है इल्तुतमिश को। तो इल्तुतमिश की एक बात की जाए, ऐबक की ये ऐबक का क्या था, गुलाम था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है, इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है, ये भी याद रखना, गुलामों का गुलाम। आपसे प्रश्न बनता है कि गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है इल्तुतमिश को कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इल्तुतमिश किसका गुलाम था, तो आपको याद रखना है कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, कुतुबुद्दीन
ईवक का गुलाम कौन था, तो आपको याद रखना है ईवक का गुलाम था आपका इल्तुतमिस। और इल्तुतमिस ने, इल्तुतमिस को ईवक ने कहां से खरीदा था, तो इल्तुतमिस को दिल्ली में खरीदा था। दिल्ली से किसको खरीदा गया, तो आपको याद रखना है दिल्ली से खरीदा गया इल्तुतमिस को किसके द्वारा खरीदा गया था, तो ईवक का, ईवक के द्वारा। इस तरह से ईवक का ये क्या था, गुलाम था। जबकि ईवक ने इसको 1205 में, याद रखना 1205 ईस्वी में ईवक ने इल्तुतमिस को दास्ता से गुलाम, इल्तुतमिस को दास्ता से मुक्त किया था, हमें याद ये रखना है कि इल्तुतमिस को खरीदा किसने, ईवक ने, और ईवक ने ही 1205 में इसको क्या है, दास्ता से मतलब आजाद किया था। तो किसने किया था, ईवक ने दास्ता से मुक्त किया था। ये बात करें आपके इल्तुतमिस की, तो ये बहुत ही इल्तुतमिस योग्य स्मार्ट सुंदर शासक था। यदि आपसे पूछा जाए कैसा व्यक्ति था, तो ये सुंदर स्मार्ट योग्य शासक था, कौन, इल्तुतमिस। तो इल्तुतमिस के विषय में इस बात बहुत ही अच्छी तरीके से कही जाती है, इल्तुतमिस ईवक का गुलाम था, ये बहुत ही योग्य व्यक्ति था और साथ ही बहुत परफेक्ट योद्धा भी था। और इस तरह से दास्ता से मुक्त किया था किसने, तो ईवक ने इसको दास्ता से मुक्त किया था। अब सबसे खास और इम्पोर्टेंट बात बनती है इल्तुतमिस के विषय में, इसकी उपलब्धियां क्या थी, तो आइए जान लेते हैं इल्तुतमिस की उपलब्धियां, और जहां से आपके बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे। इल्तुतमिस की उपलब्धियां, तो सबसे खास और इंपॉर्टेंट बात है इक्ता प्रणाली की शुरुआत, इक्ता प्रणाली की शुरुआत। कई बार एग्जाम में प्रश्न बना है कि इक्ता प्रणाली की शुरुआत किस मुस्लिम शासक ने की थी। आपको याद रखना है दोस्तों, वो मुस्लिम शासक इल्तुतमिस था, जिसने अपने राज्य को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के रखा था, और राज के हर टुकड़े से या हर इक्ता से ये टैक्स वसूलता था। तो इक्ता क्या था, साम्राज्य को छोटे छोटे भागों में बांटना, साम्राज्य को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना। अब आपसे प्रश्न बनता है, इसकी जो राजधानी थी इल्तुतमिस की, वो लाहौर से इसने क्या बनाई, लाहौर से इसने अपनी राजधानी बनाई थी क्या, दिल्ली। लाहौर से राजधानी इसने क्या बनाई थी, दिल्ली। आपसे याद रखना है इल्तुतमिस की राजधानी क्या थी, तो दिल्ली थी, और इसने स्थानांतरित की थी लाहौर से। जबकि हम लोग ईवक के विषय में पढ़े थे उसकी राजधानी क्या थी, तो लाहौर थी। जबकि इल्तुतमिस की राजधानी कौन सी बनती है, दिल्ली राजधानी ये बनाता है। और साथ ही सबसे महत्वपूर्ण काम इसने क्या किया, इसने यदि बात की जाए तो इसने चालीसा दल का गठन किया था। आपको प्रश्न याद रखना है दोस्तों, किस मुस्लिम शासक ने चालीसा दल का गठन किया था, सबसे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है चालीसा दल का गठन, चालीसा दल का गठन किस मुस्लिम शासक ने किया, आपको याद रखना है ये किया था आपके इल्तुतमिस ने। सबसे पहले चालीसा दल का गठन किसने किया था, तो इल्तुतमिस ने। चालीसा दल को एक और नाम से जानते हैं, तुर्कान ए चहलगानी। चालीसा दल का एक और नाम क्या है, तुर्कान ए चहलगानी, चहलगानी। दोस्तों तुर्कान ए चहलगानी या चालीसा दल क्या था, तो इसमें जो शासक होता था, कहने का मतलब इल्तुतमिस के 40 वफादार थे, 40 वफादारों का ये ग्रुप था, जिसे क्या कहा गया, तुर्कान ए चहलगानी, जो राज्य की खबर रखते थे और राज्य में कोई भी कार्य होता था ये चालीसा दल उस पर काम करते थे। और आगे चलकर यही चालीसा दल किसमें तब्दील हुआ था, तो ये किंग मेकर की भूमिका इन्होंने आगे निभाई। तो ये भी याद रखना था, ये एक तरह से किंग मेकर का भी काम किया इन्होंने आगे। लेकिन अभी तो चालीसा दल का गठन किया किसने, तो इल्तुतमिस ने। लेकिन यही आगे चलकर किसकी भूमिका निभाएंगे, किंग मेकर की भूमिका निभाएंगे चालीसा दल
या तुर्कानी चहलगानी। और सबसे खास बात, इसको इल्तुतमिश को सुल्तान की उपाधि, दोस्तों याद रखना, सुल्तान की उपाधि इसने धारण की, सुल्तान की उपाधि धारण की, इसने सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला दिल्ली का, दिल्ली सल्तनत का ये पहला शासक था। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। तो दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था ये, जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की, आपको याद रखना है किसने, तो ये आपके इल्तुतमिश ने सुल्तान की उपाधि धारण की, बगदाद के खलीफा, बगदाद के खलीफा अलमुत्तसिर बिल्ला, ये जो खलीफा थे कहां के, बगदाद के, उनसे एक उपाधि धारण की थी इन्होंने। वो किसके उपाधि धारण की थी, तो सुल्तान की, आपको याद रखना है अलमुत्तसिर बिल्ला, ये बगदाद के खलीफा थे, इन्होंने किसकी उपाधि धारण की थी, तो आपको याद रखना है सुल्तान की उपाधि धारण की थी इस खलीफा से, तो इल्तुतमिश ने। और साथ ही इसको स्वतंत्र शासक घोषित किया किसने, तो अलमुत्तसिर बिल्ला ने स्वतंत्र शासक पहली बार घोषित किया किसको, तो आपको याद रखना है इल्तुतमिश को। यदि बात करें इल्तुतमिश की, तो सबसे खास और इम्पोर्टेंट बात यह है, इसने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए, आपको याद रखने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये था टंका, चांदी का सिक्का, टंका चांदी का सिक्का। इसने दो सिक्के जारी किए, एक तो टंका चांदी का सिक्का जारी किया, दूसरा जो इसने प्रमुख सिक्का जारी किया था उसको बोलते हैं जीतल, आपको याद रखना है जीतल और टंका सिक्का जारी करने वाला शासक कौन था, तो इल्तुतमिश, और जीतल जो था ये तांबे का सिक्का था। तो याद रखना है दो सिक्के जारी किए, एक चांदी का जिसको कहा गया टंका, और दूसरे को कहा गया क्या, तो कहा गया जीतल, जो किसका बना था, तो आपको याद रखना है वो बना था तांबे का। इसने जो शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए, आपको याद रखना है किस दिल्ली सल्तनत के शासक ने शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए, शुद्ध अरबी सिक्के चलवाने वाला शासक, सिक्के चलवाने वाला, चलवाने वाला शासक कौन था, तो आपको याद रखना है चलवाए, तो इसने क्या चलवाया था, आपको याद रखना है शुद्ध अरबी सिक्के किस दिल्ली सल्तनत के शासक ने चलवाए थे। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपकी एसएससी और आपकी यूपीपीसीएस, रेलवे, बैंक, अन्य एग्जामों के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। शुद्ध अरबी सिक्के चलवाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था, तो आपको याद रखना है इल्तुतमिश था, जिसे साम्राज्य का स्वामी कहा जाता है इल्तुतमिश को। जबकि आप लोग जानते हो कि कुतुबुद्दीन ऐबक को चंद्रमा का देवता कहा जाता है, उसी तरीके से यहाँ पर इल्तुतमिश को साम्राज्य का स्वामी बोलते हैं, तथा गुलाब वंश का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, और भारत में तुर्की सत्ता का भी वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो इसका, ये प्रथम इलवारी तुर्क था। साथ ही हम लोगों ने पढ़ा कि ये मुस्लिम प्रभु सत्ता का, भारत में मुस्लिम प्रभु सत्ता का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है किसको, तो इल्तुतमिश को। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसने चालीसा दल का गठन किया, और साथ ही इसने एकता प्रणाली को भारत में लाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था। इसने रणथंभौर को जीता, याद रखना है रणथंभौर को जीतने वाला मुस्लिम शासक सबसे पहला कौन था, तो रणथंभौर जीतने वाला दिल्ली सल्तनत का शासक, जीतने वाला दिल्ली का शासक, दिल्ली का शासक। तो रणथंभौर जीतने वाला दिल्ली का शासक कौन था, याद रखना है इल्तुतमिश था। अब आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। अब सबसे खास और इम्पोर्टेंट प्रश्न अगर बात करें, तो इसने दिल्ली की गद्दी पर ये बैठा, साथ ही साथ इसने चालीसा दल का गठन किया, और सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां से बनता है, गुंबद शैली, साथ ही प्रश्न है गुंबद शैली
गुंबद शैली का जनक किसे कहा जाता है? गुंबद शैली का जनक गुंबद शैली का पिता या जनक किसे कहा जाता है? तो याद रखना ये कहा जाता है किसको, तो इल्तुतमिश को। आगे याद रखना किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि गुंबद शैली का जनक किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है इल्तुतमिश को कहा जाता है। अब एक और प्रश्न बनता है, भारत में प्रथम मकबरा बनवाने वाला, मकबरा बनवाने वाला शासक, बनवाने वाला शासक। तो इसने प्रथम जो मकबरा बनवाया था उस मकबरे का क्या नाम है? तो हमें दोस्तों याद रखना है किसका जो प्रथम मकबरा था वो क्या था। तो सुल्तानगढ़ी का इसने एक मकबरा बनवाया जिसे कहा गया सुल्तानगढ़ी का मकबरा, सुल्तानगढ़ी का मकबरा। तो इसने कौन सा मकबरा बनवाया था दोस्तों याद रखना, कई बार एग्जाम में प्रश्न बना है सुल्तानगढ़ी का मकबरा इसने किसने बनवाया था, किस मुस्लिम सुल्तान ने बनवाया था, तो आपको याद रखना है इल्तुतमिश ने बनवाया था। इसने अपनी बड़े बेटे की याद में, इसने बड़े बेटे की याद में सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया था। आपको ये प्रश्न बहुत याद रखना है किस मुस्लिम शासक ने अपने बड़े बेटे की याद में सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया था, तो आपको याद रखना है इल्तुतमिश ने बनवाया था। गुंबद शैली का जनक किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है एग्जाम के लिए, इल्तुतमिश को कहा जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न जो हम लोग समझ रहे हैं, इसने टंका और जीतल सिक्के चलवाए। टंका कैसा सिक्का था? तो चांदी का सिक्का चलवाया था। तो टंका और जीतल सिक्के चलवाने वाला दिल्ली का कौन सा पहला शासक था, कौन सा शासक था, आपको याद रखना है तो दिल्ली का इल्तुतमिश शासक था जिसने टंका और जीतल सिक्के चलवाए। शुद्ध अरबी सिक्के चलवाने वाला शासक कौन था? तो आपको याद रखना है इल्तुतमिश। साथ ही आपको याद रखना है टंका पर टकसाल का नाम लिखवाने वाला, टंका पर टकसाल का नाम लिखवाने वाला कौन सा मुस्लिम शासक? तो इसने जो टंका जो सिक्का था उस पर टकसालों का भी नाम लिखवाया, लिखवाने वाला वाला शासक। तो याद रखना है आपको कि टंका पर किसका नाम, टकसाल का भी नाम, जहां पर मतलब सिक्के छपते थे उस जगह का भी नाम किसने छपवाया, तो आपको याद रखना है ये इल्तुतमिश ने छपवाया था। इल्तुतमिश के विषय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों, तो आपको याद रखना है मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कुतुब मीनार को पूर्ण किसने करवाया था, को पूर्ण किसने करवाया था। तो आपको याद रखना है कुतुब मीनार का पूर्ण निर्माण यानी 4 मंजिला जो मीनार थी कुतुब मीनार उसका निर्मित करवाने वाला जो था वो इल्तुतमिश था। कहने का मीन्स हमारा यहाँ पर यह है कि कुतुब मीनार का शिलान्यास तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, लेकिन कुतुब मीनार को पूर्ण करवाने का काम किसने किया था, तो ये यहाँ पर इल्तुतमिश ने किया था। क्यों 4थी मंजिल का निर्माण करवाया और कुतुब मीनार का निर्माण करवाने वाला कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। साथ ही यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न जो बनता है एग्जाम के लिए, इसने एक गोरी के नाम पर मदरसा ए मोजी दिल्ली में खुलवाया। आपसे प्रश्न बनता है मदरसा ए मोजी का निर्माण दिल्ली में किसने करवाया था, तो आपको याद रखना है ये करवाया था इल्तुतमिश ने। और साथ ही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम के लिए, इसके समय दिल्ली में प्रथम मंगोल आक्रमण किसने किया था। दोस्तों याद रखना है जो प्रथम आक्रमण जो किया था वो चंगेज खान है। आपसे प्रश्न बनता है चंगेज खान जो था उसने दिल्ली पर पहला आक्रमण किया, चंगेज खान ने, और ये किसका पीछा करते हुए भारत आया था, तो इसका एक और नाम है दोस्तों तेमचिन। तेमचिन किसे कहा जाता है, तो याद रखना है चंगेज खान को कहा जाता है। तो चंगेज खान का आक्रमण सर्वप्रथम इल्तुतमिश के समय में होता है, ये एक मकब रानी का पीछा करते हुए आया था। मकब रानी दोस्तों याद रखना है, मकब रानी का पीछा करते हुए आया था, लेकिन मकब रानी
वो दिल्ली में शरण नहीं दी किसने, इल्तुतमिश ने, और मकब रानी कहाँ भाग गया, तो आपको याद रखना ये फारस भाग गया। जब चंगेज खान ने ये पूछा इल्तुतमिश से कि बताइए मकब रानी आपके राज्य में क्या शरण लिए हुए, तो चंगेज तो सीधा इल्तुतमिश ने मना कर दिया कि हमने उसको कोई भी शरण नहीं दी और ये यहाँ से भाग चुका है। तो इस तरह से मंगोल के प्रथम आक्रमण से बच गया कौन दोस्तों, याद रखना है बच गया था आपका इल्तुतमिश। और सबसे खास बात यदि पूछी जाए एग्जाम में तो कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था, याद रखना है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए, किसने संगमरमर की शेरों की मूर्ति बनवाई, शेरों की मूर्ति बनवाई, ध्यान रखना है आपसे, किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम शेरों की मूर्ति बनवाई और उसमें घंटियां बांधी, और उसमें दो घंटियां बांधी। यदि कोई राज्य में आएगा, कोई फरियादी, उनका कहना था कोई भी फरियादी यदि हमारे राज्य में आता है, फरियादी हमारे राज्य में आता है तो वो लाल वस्त्रों में घंटी जो बजाएगा, लाल वस्त्रों में जब घंटी बजाएगा तो उसका उसको न्याय मिलेगा। तो इसने न्याय के लिए क्या व्यवस्था अपने राज्य में लागू कर रखी थी, यह दिन शेरों की घंटी को लाल कपड़ों में कोई फरियादी अगर बजाता है तो उसे न्याय जरूर मिलेगा, इसलिए उसने अपने राज्य में संगमरमर की बनी दो मूर्तियां, जिसके गले में घंटी थी वो शेर की मूर्तियां थी, तो इस तरीके से इसने व्यवस्था अपने यहां लागू करके रखी थी। तो आपको काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां पर हम लोगों ने समझा कि जो आपका इल्तुतमिश था उसने न्याय की व्यवस्था काफी बना के रखी थी। इल्तुतमिश ने उज्जैन का महाकाल मंदिर तुड़वाया था। दोस्तों जो भी शासक आ रहे हैं देख रहे हो ये हिंदू धर्म के मंदिरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो यहां पर इसने उज्जैन के महाकाल मंदिर को नष्ट करवाने का काम किसने करवाया था, तो याद रखना है इल्तुतमिश ने। सीधा इनका संबंध इस बात से ही प्रूव करता है कि ये मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना चाहते थे भारत में, इसीलिए इसको कहा जाता है मुस्लिम प्रभुसत्ता का वास्तविक संस्थापक इसे कहा गया है। तो दोस्तों इल्तुतमिश को मुस्लिम प्रभुसत्ता का वास्तविक संस्थापक इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसने इल्तुतमिश ने उज्जैन महाकाल मंदिर का, याद रखना है ये थोड़ा था आपके इल्तुतमिश ने। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है इल्तुतमिश ने अगला जो शासक जो उत्तराधिकारी अपना बनाना चाहता था वो कौन था, आपको याद रखना है वो ये रजिया को। इल्तुतमिश अगला जो शासक बनाना चाहता था वो किसे बनाना चाहता था, आपको दोस्तों याद रखना है वो रजिया को अगला उत्तराधिकारी बनाना चाहता था क्योंकि रजिया बहुत ही युद्ध में निपुण महिला थी और ये अपने भाइयों से योग्य और बुद्धिमान महिला थी, कहने का मीन्स। तो इल्तुतमिश अगला उत्तराधिकारी बनाना चाहता है रजिया को, लेकिन जो उस राज्य के जो 40 दल होता है वो रजिया को पसंद नहीं करता है क्योंकि वो चाहता है कि हम लोगों के ऊपर, अमीर लोग चाहते हैं कि हम लोगों पर कोई महिला राज करेगी, इस बात से वो संतुष्ट नहीं थे, इसलिए बहुत ज्यादा षड्यंत्र रचकर वो रजिया के स्थान पर उसके बड़े भाई रुकनुद्दीन फिरोज शाह। दोस्तों याद रखना है रुकनुद्दीन फिरोज शाह किसके बाद शासक बनता है, तो आपको याद रखना है इल्तुतमिश के बाद शासक बनता है और इसकी सारी जो शक्तियां होती हैं फिरोज शाह, रुकनुद्दीन फिरोज शाह इसका भाई होता है रजिया का, और इसकी सारी शक्तियां इसकी माँ शाह तुर्कान, याद रखना दोस्तों कई बार प्रश्न पूछा गया है शाह तुर्कान कौन थी, तो ये इनकी माँ थी रजिया की, और साथ ही साथ शाह तुर्कान की क्या थी माँ का नाम क्या था, शाह तुर्कान था, तो रजिया की माँ का नाम था शाह तुर्कान, जो अपने बड़े बेटे रुकनुद्दीन फिरोज शाह को क्या गद्दी पर बिठाती है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, रजिया को एक जेल में बंद कर दिया जाता है और इसको मारने का फरमान सुनाया जाता है रजिया को, तो किसी तरह से ये जेल से बच के दिल्ली की जनता के बीच में कौन आती है, रजिया, आपको याद रखना है रजिया के बारे में क्योंकि एग्जाम में कई बार रजिया से प्रश्न बने हैं, आपको याद रखना है रजिया का जो शासन है, तो रजिया 1236 से 1240 तक सत्ता में रही, और ये जो इसको रजिया को सुल्तान किसने बनाया था, तो याद रखना है दिल्ली की जनता ने रजिया को क्या बनाया,
रजिया को सुल्तान बनाया। तो आपको याद रखना है रजिया को सुल्तान किसने बनाया था, तो आपको याद रखना है कि रजिया को सुल्तान किसने बनाया था, तो दिल्ली की जनता ने सर्वप्रथम किसको बनाया था, रजिया को सुल्तान बनाया था, क्योंकि रजिया ने कहा कि मेरे पिता ये चाहते थे कि दिल्ली की अगली सुल्तान कौन बने, तो रजिया बने, ये हमारे पिता की इच्छा थी, लेकिन मेरी माँ और जो चालीसा दल के सदस्यों ने किसको शासक घोषित किया, तो हमारे बड़े भाई फिरोज शाह रुकनुद्दीन फिरोज शाह को गद्दी पर बिठाया। ये बात जब उसने दिल्ली की जनता में कही तो दिल्ली की जनता ने किसको फिर सत्ता सौंप दी, तो रजिया को दिल्ली का सुल्तान चुना गया। अब देखिए सबसे खास और इम्पोर्टेंट बात, दिल्ली की पहली व अंतिम सुल्तान, दिल्ली की पहली व अंतिम, दिल्ली की पहली और अंतिम शासक किसे कहा जाता है दोस्तों, तो याद रखना है ये अंतिम शासक थी महिला शासक, दिल्ली की पहली और अंतिम महिला शासक कौन है दोस्तों, याद रखना है, तो ये दिल्ली सल्तनत पर कौन, तो यहाँ पर रजिया दिल्ली की पहली और अंतिम महिला शासक थी। और सबसे खास बात, रजिया ने एक याकूत नाम का व्यक्ति होता है जो एबिसिनिया देश का है, एबिसिनिया देश का, इसे निग्रो हफ्सी कहा जाता है दोस्तों, याद रखना ये कैसा व्यक्ति था, निग्रो हफ्सी था, और निग्रो हफ्सी था, और इसको घोड़ों का प्रमुख या कह सकते हैं सभी अधिकारियों का प्रमुख घोषित किया किसने, रजिया ने, और एक उपाधि याकूत को दी, अमीर ए आखूर का जो पद था ये बहुत बड़ा पद था, दिल्ली सल्तनत के अधिकारियों का जो हेड था वो कौन था, याकूत, और याकूत रहने वाला एबिसिनिया का था, ये एक निग्रो हफ्सी था, और रजिया ने इसको क्या बनाया, तो सेना का बोल सकते हैं या अधिकारियों का प्रमुख बना दिया, किसको, तो याकूत को, जो अमीर थे कह सकते हैं, जो चालीसा दल के लोग थे, उसने रजिया के खिलाफ कई सारी साजिशें की, और उन साजिशों की वजह से रजिया के खिलाफ कई सारे षड्यंत्र हुए, जिसकी वजह से रजिया को शासन करने में काफी असुविधा महसूस हुई। तो रजिया और याकूत खां के मध्य, रजिया व याकूत खां के मध्य, याकूत के बीच अवैध संबंधों की बात की, अवैध संबंधों जिससे रजिया का काफी दुष्प्रचार किया गया कि ये याकूत खां जो निग्रो है इसके साथ रजिया के अवैध संबंध हैं, और ताकि वहां की जो दिल्ली की जनता थी उसको अनलाइक करे, किसको, रजिया को, तो इसलिए इसके मतलब याकूत खां के लिए, याकूत और रजिया के मध्य कैसे अवैध संबंधों की बात की चर्चा पूरे राज्य में फैला दी। दूसरी बात, एक सबसे ज्यादा जो कह सकते हैं षड्यंत्र रचने वाला था उसका नाम था अख्तियारुद्दीन एतगिन, याद रखना, ये वो व्यक्ति था जिसने सबसे ज्यादा षड्यंत्र रचे, एग्जाम में पूछा जाता है सबसे ज्यादा रजिया के खिलाफ षड्यंत्र किस व्यक्ति ने रचे थे, तो आपको याद रखना था, तो सबसे ज्यादा जो षड्यंत्र रचने वाला व्यक्ति था अख्तियारुद्दीन एतगिन था जिसने सर्वाधिक रजिया के खिलाफ क्या रचे थे, षड्यंत्र रचे थे। और सबसे ज्यादा विरोध किसने किया था, तो याद रखना है, तो सबसे ज्यादा विरोध किया था भटिंडा के गवर्नर थे जिनका नाम था अल्तुनिया, दोस्तों याद रखना है भटिंडा जो जगह थी पंजाब में थी, और इसके गवर्नर थे, उन गवर्नर का क्या नाम है, तो उसका नाम जो है अल्तुनिया। तो सबसे ज्यादा विरोध जो किया था वो रजिया का किसने किया था, तो अल्तुनिया ने किया था, याद रखना है। और अल्तुनिया ने भटिंडा नामक स्थान पर किसको कैद किया, तो रजिया को बंदी बना दिया, आपको याद रखना है अल्तुनिया ने किसको, रजिया को बंदी बनाया था, और कहां ले गया, तो भटिंडा ले गया, जहां भटिंडा की जेल में रखा रजिया को। लेकिन कुछ समय बाद बताया जाता है कि अल्तुनिया ने रजिया से शादी कर ली। आपको याद रखना है
1240 आपको याद रखना है दोस्तों, 1240 ईस्वी में एक जगह है कैथल, और कैथल जो जगह पड़ती है ये कहाँ, हरियाणा में। याद रखना है अल्तुनिया और रजिया को कहाँ मारा गया था, तो याद रखना है 1240 में कैथल नामक स्थान, कैथल नामक स्थान पर रजिया और आपके अल्तुनिया की हत्या कर दी गई। तो रजिया और अल्तुनिया की हत्या कहाँ हुई थी, तो रजिया अल्तुनिया की हत्या, रजिया और अल्तुनिया की हत्या कहाँ की गई आपको याद रखना है, ये कैथल नामक स्थान पर की गई थी, जो स्थान कहाँ पर है, हरियाणा में है। तो दोस्तों कई बार एग्जाम में प्रश्न बनता है कि सबसे ज्यादा भयंकर विरोध किसने किया था, अल्तुनिया ने खुद किया था, और रजिया को बंदी बनाने के बाद इसने क्या की थी, शादी कर ली थी, और रजिया ने ये सोचा कि सत्ता तो हमारे हाथ में है नहीं, तो इससे शादी करना ज्यादा उचित है अल्तुनिया से। और बताया जाता है खुद रजिया के भाई ने अल्तुनिया और आपके रजिया को मरवा दिया था, किसके द्वारा, अख्तियारुद्दीन एडगिन के द्वारा। तो इस तरह से रजिया का अंत होता है, और आपको पता है कि रजिया जब मारी जाती है तो इस जगह पर एक शासक रहता है जो इसका भाई है बहराम शाह कह सकते हैं, ये किसका भाई था, तो ये रजिया का भाई था। और इसके बाद जो सत्ता प्राप्त होती है बहराम शाह के बाद, जो सत्ता जाती है शमसी वंश की, वो जाती है अलाउद्दीन मसूद शाह। तो अलाउद्दीन मसूद शाह शासक बनता है किसके बाद, बहराम शाह के बाद। यानी बहराम शाह से पहले शासन किसने किया, तो रजिया ने किया, रजिया से पहले कौन था, तो रजिया का बड़ा भाई रुकुद्दीन फिरोज शाह। और अलाउद्दीन मसूद शाह एक ऐसा शासक होता है जो दिल्ली सल्तनत का ऐसा शासक है जिसकी मृत्यु कहाँ हुई थी, तो दिल्ली के जेल में हुई थी। अलाउद्दीन मसूद शाह की मौत कहाँ हुई थी, तो दिल्ली की जेल में। याद रखना है दोस्तों दिल्ली की जेल, तो जेल में मरने वाला मुस्लिम शासक कौन था, तो याद रखना है अलाउद्दीन मसूद शाह। और अलाउद्दीन मसूद शाह के बाद सबसे खास और इम्पोर्टेंट बात है जो चालीसा दल है, चालीसा दल की बात की जाए, चालीसा दल 1236 से लेकर 66 तक किंग मेकर की भूमिका में रहता है। तो किंग मेकर अब यहां पर कौन काम कर रहा है, राजा बनाने का काम किसके हाथ में है, चालीसा दल के हाथ में। अब जो शासन सत्ता जो जाती है, अगली शासन सत्ता जो जाती है किसके पास जाती है आपको याद रखना है, वो आपका होता है नसरुद्दीन फिरोज शाह। शमसी वंश का अंतिम शासक आपको याद रखना है दोस्तों, शमसी वंश का अंतिम शासक। तो अंतिम शासक कौन था शमसी वंश का आपको याद रखना है, नसरुद्दीन फिरोज शाह। ये जो व्यक्ति था ये संत प्रवृत्ति का था, कैसा था, संत प्रवृत्ति का व्यक्ति था, संत प्रवृत्ति का व्यक्ति था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसके विषय में, आप ये जो अपना खर्चा है, कुरानों की प्रतियां बेचकर अपना खर्चा चलाता था, दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक है जो कुरानों की प्रतियां बेचकर खर्चा चलाता था, तो आपको याद रखना है नसरुद्दीन फिरोज शाह ने बलबन को अपना वजीर बनाया। तो अगर बात की जाए कि नसरुद्दीन फिरोज शाह का वजीर कौन था, दोस्तों याद रखना है यहां पर जो वजीर था नसरुद्दीन फिरोज शाह का वजीर या पीएम कौन था, तो याद रखना है दोस्तों बलबन था। आप सभी लोग जानते हैं बलबन किसका गुलाम था, तो ये इल्तुतमिश का गुलाम कौन था, तो याद रखना है इल्तुतमिश का गुलाम था बलबन। और बलबन अब किसका, नसरुद्दीन फिरोज शाह का क्या बना, पीएम बना। और बलबन के विषय में जाने, इसने
ये चालीसा दल का सदस्य भी था, चालीसा दल का सदस्य कौन था आपको याद रखना है, बलवन था, चालीसा दल का सदस्य था। और बलवन को नियुक्त पीएम के रूप में किसने किया, तो नसरुद्दीन फिरोज शाह ने, बलवन ने एक उपाधि दी थी दोस्तों याद रखना है किसको, तो नसरुद्दीन फिरोज शाह को एक उपाधि दी थी जिसको बोलते हैं उलूग खां। तो उलूग खां किसे कहा गया याद रखना है, उलूग खां किसे कहा गया, तो याद रखना है ये नसरुद्दीन फिरोज शाह को कहा गया। ये एक संत प्रवृत्ति का क्या था, एक शासक था जिसकी पूरी शक्ति किसके हाथ में थी, बलवन के हाथ में थी। और बलवन अपनी नसरुद्दीन फिरोज शाह अपना खर्चा कुरानों की प्रतियां बेचकर करता था। तो ये दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा शासक था जो अपना खर्चा कुरानों की प्रतियां बेचकर करता था। कई सारे एग्जाम में ये प्रश्न कई बार बनाया, आपको याद रखना है दोस्तों, तो ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बलवन को इसने क्या बना रखा था, तो पीएम बना रखा था। और बलवन ने नसरुद्दीन फिरोज शाह को एक उपाधि दी जिसको कहा गया उलूग खां। तो याद रखना उलूग खां की उपाधि किसको मिली थी, तो ये मिली थी नसरुद्दीन फिरोज शाह को। और आप जानते हैं कि बलवन ने अपनी पुत्री का विवाह किससे किया, तो पुत्री का विवाह किया था नसरुद्दीन फिरोज शाह से। इस तरह से बलवन का दामाद कौन था, फिरोज शाह, तो दामाद बना लिया था किसने, बलवन ने फिरोज शाह को। और बताया जाता है कि बलवन ने ये सत्ता बाद में हासिल की किसको खत्म करके, तो ये सत्ता दिल्ली सल्तनत की उसने हासिल की शमसी वंश को नष्ट किसने किया, शमसी वंश को नष्ट किया था किसने, बलवन ने, किसने किया था, तो दोस्तों याद रखना है बलवन ने। और बलवन ने एक नए राजवंश की स्थापना की जिसका नाम था बलवनी वंश, आपको याद रखना है बलवनी वंश। तो बलवनी वंश की स्थापना अब कौन करेगा दोस्तों, तो याद रखिए बलवन करेगा, किसको, किस वंश को खत्म करके, शमसी वंश को खत्म करके। अब सारी शक्तियां जो फिरोज शाह तुगलक के पास थी, अब ये क्या बन जाएगा, सहनशाह और शासक बन जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से इल्तुतमिश की जो कहानी है, तो इल्तुतमिश ने एकता प्रणाली को शुरू किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चालीसा दल का गठन किया था, इसने अपने राज्य में कई सारे अच्छे काम किए थे, कुतुब मीनार का पूर्ण निर्माण करवाया था, हम लोगों ने पढ़ा था, किसने करवाया था, तो ये बलवन ने कराया था। तो आइए थोड़े से प्रीवियस क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं और आपसे बात कर ली जाती है दोस्तों। एक बार छोटा सा रिवीजन करते हैं, शमसी वंश की स्थापना 1210 से 1236 में हुई थी, और इसकी स्थापना करने वाला संस्थापक कौन था, इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश जो होता है उस शब्द का अर्थ होता है साम्राज्य का स्वामी, दोस्तों याद रखना है। साथ ही साथ इसे प्रथम मिलवारी तुर्क कहा गया। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है दोस्तों, तो याद रखना है ये कहा जाता है आपके इल्तुतमिश को। साथ ही प्रथम मिलवारी तुर्क इसे कहा जाता है इल्तुतमिश को। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है दोस्तों, तो याद रखना है ये इल्तुतमिश को कहा गया। हम लोगों ने समझा था भारत में तुर्की सत्ता का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, तो इल्तुतमिश को कहा जाता है। और साथ ही बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था आपका, भारत में पहली बार मुस्लिम प्रभुसत्ता का संस्थापक किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपके इल्तुतमिश को। नेक्स्ट बात की थी कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलामों का गुलाम कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, किस मुस्लिम शासक को गुलामों का गुलाम कहा जाता है, तो आपको याद रखना है इल्तुतमिश को। 1205 में ऐबक ने इल्तुतमिश को दास्ता से मुक्त किया था, जबकि दिल्ली से इसको ऐबक ने खरीदा था, ये गुलाम था किसका, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। ये इल्तुतमिश बहुत ही योग्य और स्मार्ट व्यक्ति था। साथ ही प्रश्न पढ़ लेते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है, इसने किसकी शुरुआत की थी, तो एकता प्रणाली की शुरुआत की थी। और एकता प्रणाली मीन्स होता है साम्राज्य को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना। चालीसा दल का गठन किया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार प्रश्न पूछा जाता है दिल्ली सल्तनत में कौन सा शासक है जिसने चालीसा दल का गठन किया था, तो नाम किसका है, तो इल्तुतमिश का। इसमें 40 वफादार थे किसके, इल्तुतमिश के, चालीसा दल में। और दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन है, तो इल्तुतमिश है। इसे बगदाद के खलीफा अल-मुतसिर बिल्लाह ने कौन सी उपाधि दी थी, तो ये उपाधि दी थी सुल्तान की। इसने दो सिक्के जारी किए थे अपने राज्य में, टंका और जीतल इसने जारी किए थे। टंका चांदी का सिक्का था, जीतल जबकि तांबे का सिक्का था। शुद्ध अरबी सिक्के चलवाने वाला शासक कौन था, याद रखना है आपको, ये आपका था इल्तुतमिश। और रणथंभौर जीतने वाला प्रथम दिल्ली का सल्तनत का शासक था। इसे गुंबद शैली का जनक कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है गुंबद शैली का जनक किसे कहा जाता है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको सीजीएल यूपी पीसीएस एग्जाम के लिए। इसने प्रथम मकबरा का निर्माण करवाया, जो कौन सा मकबरा था, तो सुल्तान गढ़ी का मकबरा किसने बनवाया था, इल्तुतमिश ने बनवाया था। और साथ ही प्रश्न हम लोगों ने पढ़े थे,
हम लोगों ने जाना था इसकी माँ जो थी रजिया की माँ का क्या नाम था, शाह तुर्कान था, ये हम लोगों ने जाना था। साथ ही बात कर लेते हैं कुतुब मीनार को पूर्ण किसने करवाया था, चार मंजिला जो इमारत बनवाई थी कुतुब मीनार की सर्वप्रथम किसने बनवाई थी, तो पूर्ण शिलान्यास किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जबकि इल्तुतमिश ने इसको चार मंजिल पूर्ण करवाया था। गोरी के नाम पर इसने एक मदरसा मुअज्जी दिल्ली में खुलवाया था, मदरसा मुअज्जी याद रखना है किसने बनवाया था, तो इल्तुतमिश ने। दिल्ली में प्रथम मंगोल आक्रमण किसका होता है, चंगेज खां का होता है, जो मकब रानी का पीछा करते हुए कहाँ आया था, भारत आया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, संगमरमर की दो शेरों की गले में क्या इसने बना रखी थी, घंटियां बांध के रखी थी, और जब कोई व्यक्ति इसके राज्य में न्याय के लिए जाता था तो लाल कपड़ों में वो घंटियां बजाता था तो उसे न्याय की प्राप्ति होती थी, ये बात हम लोगों ने जानी थी। तथा इल्तुतमिश ने उज्जैन के महाकाल मंदिर को भी नष्ट करवाया था। आपको याद है कि रजिया जब सुल्तान बनती है, मतलब इल्तुतमिश की इच्छा होती है कि रजिया हमारी अगली क्या बने, साचका बने दिल्ली की, लेकिन अमीर जो चालीसा दल के सदस्य हैं वो उसके बड़े भाई को क्या बनाते हैं, सुल्तान घोषित करते हैं, जिसका नाम था रुकमुद्दीन फिरोज शाह। इसकी सारी शक्तियां इसकी माँ शाह तुर्कान के हाथों में थी। कहा जाता है शाह तुर्कान बहुत एक क्रूर महिला थी जो दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश की पत्नी थी कह सकते हैं, और इसके बेटे रुकमुद्दीन फिरोज शाह की सारी शक्तियां माँ के हाथ में थी। बताया जाता है रजिया को इसने कैद करवा के रखा था, लेकिन किसी कारणवश रजिया बाहर निकल आती है। आपको याद रखना है 1236 से लेकर 1240 तक किसका काल है, तो रजिया का काल है। तो चार वर्षों तक शासन किसने किया, रजिया ने शासन किया दिल्ली पर, और दिल्ली की जनता ने इसको क्या बनाया था, सुल्तान। याद रखना एकमात्र पहली और अंतिम महिला शासिका थी जो दिल्ली की गद्दी पर बैठी, जिसका नाम था रजिया सुल्तान। ये एक मजबूत योद्धा मतलब युद्ध करने में निपुण महिला थी और काफी विद्वान महिला थी। इसने अमीर याकूत की उपाधि किसको दी थी, तो याकूत खां को दी थी, और ये एक निग्रो हफ्सी था। लेकिन राज्य के बहुत सारे जो अधिकारी बड़े वर्ग के लोग होते हैं, अमीर लोग होते हैं, वो नहीं चाहते कि रजिया शासन करें, इसलिए रजिया के विषय में अफवाह फैला दी जाती है कि इसके संबंध, इसके जो हेड अफसर जो अमीर आकुर के पद पर है, याकूत खां से अवैध संबंध है, तो ये बात फैलाई जाती है। सबसे ज्यादा षड्यंत्र कौन रचता है, तो अख्तियारुद्दीन एतगिन, याद रखना है रजिया के खिलाफ सबसे ज्यादा षड्यंत्र रचने वाला व्यक्ति कौन था, अख्तियारुद्दीन एतगिन। साथ ही आपको याद है कि सबसे ज्यादा विरोध, भयंकर विरोध किसने किया था, तो भटिंडा पंजाब के गवर्नर अल्तूनिया ने, ये गवर्नर था पंजाब का भटिंडा में, तो इसने सर्वाधिक किसका विरोध किया, रजिया का। बताया जाता है कि भटिंडा में युद्ध के दौरान ही बंदी बना लेता है रजिया को और अपने राज्य में ले जाता है। रजिया को जेल में रखने के बाद ये क्या करता है, रजिया इससे शादी कर लेती है। बताया जाता है फिर बाद में इसके भाई बहराम शाह इसकी हत्या करवा देते हैं, किसकी, अल्तूनिया और रजिया दोनों की। किस स्थान पर इनको मारा जाता है, वो स्थान है कैथल, हरियाणा में पड़ता है, 1240 में इसको मारा गया था। इसके बाद सत्ता हस्तांतरित होती है अलाउद्दीन मसूद शाह के पास, बहराम शाह के बाद अलाउद्दीन मसूद शाह, और दिल्ली की जेल में एकमात्र ऐसा दिल्ली सल्तनत का शासक है जिसकी मृत्यु जेल में हुई। तो यहां तक कि हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझी थी। फिर इसके बाद जो अगला शासक आता है नसरुद्दीन फिरोज शाह, जिसका वजीर क्या है, बलबन है, एक संत प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है और ये कुरानों की प्रतियां बेचकर अपना खर्चा चलाता है। तो आपको याद रखना है वो कौन सा दिल्ली का शासक था जिसने कुरानों की प्रतियां बेचकर अपना खर्चा चलाया, तो याद रखना है नसरुद्दीन फिरोज शाह। और नसरुद्दीन फिरोज शाह के बाद शासन किसके हाथ में जाता है, बलबन के हाथ में। इस तरह से संसी वंश का अंत होता है और नए वंश की स्थापना होती है, बलबनी वंश। तो दोस्तों याद रखना है नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग समझेंगे बलबनी वंश को, ये दिल्ली सल्तनत का जो गुलाम वंश है उसका ये तीसरा वंश शुरू होगा। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने समझा था संसी वंश को। दोस्तों यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।